तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जेपेग वर्सेस रॉ के बारे में। तो सिंपल सा है, जेपेग एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि कंप्रेस्ड होता है, इमेज कंप्रेस करके जेपेग बनता है। और रॉ रॉ होता है वो बिना कंप्रेशन का होता है। कहने का मतलब, जब एक कैमरा जब फोटो क्लिक करता है तो उसका सेंसर में जो सेंसर की मदद से जो वो देखता है रियल वर्ल्ड में क्या है, कहाँ पे क्या है, क्या चीज़ है, वो जो डेटा है वो जाके प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस होने के बाद अगर वो इमेज जेपेग फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट में बनता है तो वो फोटो जब आपके पास जाता है तो वो हो जाता है कंप्रेस्ड, ठीक है। और अगर वो जैसा सेंसर से खींचा वैसा, ठीक वैसा का वैसा ही जो है सो अगर आपको दे दे जो है, तो वो हो जाता है रॉ, ठीक है। रॉ और जेपेग में कुछ अपना अपना एडवांटेज है, अपना अपना डिसएडवांटेज है। जैसे कि रॉ का एडवांटेज है कि आपको पूरा डिटेल मिलेगा जब आप वो ट्विकिंग करने जाइएगा। कहने का मतलब, जब आप इमेज के साथ खेल कीजिएगा, छेड़छाड़ कीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा, कंट्रास्ट के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, वाइट बैलेंस के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, कहने का मतलब उसको इरेट कीजिएगा, तब जो है सो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा रॉ में, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगा। अगर कोई इमेज बहुत डार्क है तो आप उसको बढ़िया से एनहेंस कर पाइएगा, ठीक है, रॉ में। लेकिन जेपेग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, उसमें से बहुत सारा डिटेल हटा लिया गया है, उस डिटेल को हटा लिया गया है और जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली इमेज पे वही है जेपेग में बचा हुआ। इसलिए इसी वजह से जो है सो जेपेग को आप जो है सो एडिट नहीं कर सकते, जेपेग एडिट ठीक से नहीं होगा रॉ के मुकाबले, ठीक है। रॉ अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का स्केल है, ठीक है, अगर रॉ इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है अगर आपको इमेज को मैनिपुलेट करने का या फिर एडिट करने का, तो रॉ अगर इतना देता है तो जेपेग इतना देगा या उनमें भी उससे भी कम देगा, ठीक है। तो रॉ का फ़ायदा है। अब देखिए, रॉ का कुछ बेनिफिट्स तो हो गया लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। रॉ का डिसएडवांटेज है कि उसका फाइल बहुत ज़्यादा होता है। अगर जेपेग का अगर 2 से 3 MB में अगर आपका इमेज आ जाता है तो रॉ में 15, 20, 25, 30 MB का जो होता है एक फाइल होता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। उसका एडवांटेज है अपना जो है ऐसे खेल चलते रहता है, डिसएडवांटेज एडवांटेज वाला। तो आप अगर किसी चीज़ को शूट कर रहे हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा रॉ में शूट करना चाहिए। अगर आप तुरंत किसी चीज़ को, जैसे कि अखबार वाले हैं, आपको तुरंत जो है सो फोटो क्लिक करके जो है सो अपना अखबार में सबमिट करना होता है ताकि जो है सो कल मॉर्निंग में जो है सो अखबार आ सके, तब आप जो है सो जेपेग में जो है सो शूट कीजिएगा फोटो को। तो बस यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। रॉ ज़्यादा MB का होता है, उसमें डिटेल्स ज़्यादा होता है। जेपेग कंप्रेस्ड होता है, उसमें डिटेल्स कम होता है। जो जैसा दिखता है उसमें वैसा ही होता है जनरली जेपेग में। तो यही अंतर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है सो हम क्या इससे हम मेरा फ़ायदा होगा। वैसे सिंपल सी बात है, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।